अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड विद आयशा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक वेजिटेरियन रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही मज़े की होती है और बहुत झटपट बन जाती है। और ये रेसिपी जो है वो मोस्टली घरों में बहुत शौक से खाई जाती है। तो फिर रेसिपी का नाम है आलू मटर की तहरी। जी हाँ, आलू मटर की तहरी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैंने उसमें लिया है, ये मेरे पास है 1 kg मटर और मैंने इसको छील के फ्रीज कर लिया था। और आलू है मेरे पास, ये है तकरीबन 3 पाव और मैंने इसको छील के जो है वो पील ऑफ करके मैंने इसको जो है 4 पीसेस में 1 पोटैटो को कट कर लिया है। और ये है मेरे पास दही और ये है तकरीबन 1/2 कप के करीब दही है। और अब जो इसमें साबुत गरम मसाले जाएंगे जो कि तहरी की जो खुशबू होती है उसके लिए मेन है, तो साबुत गरम मसालों में मेरे पास है ज़ीरा, ये बादियान का फूल है, साबुत काली मिर्चें हैं, एक तेज़ पत्ता है मेरे पास में, छोटी इलायची है और लौंग है। और ये है प्याज और मैंने प्याज को जो है वो 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। और इसके साथ में जाएगी इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है और हल्दी इसमें जाती है थोड़ी ज़्यादा। ये है मेरे पास में हरी मिर्चें और मैंने 6 हरी मिर्चों को जो है वो बीच में से 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है, कट कर लिया है। टोमेटोज़ है मेरे पास में 2 अदद और मैंने टोमेटोज़ को भी जो है वो रफली चॉप कर लिया है। साथ में मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े खाने के चम्मच भर के। तो अब मैं सबसे पहले देगची में तेल गरम करके और उसमें प्याज को गोल्डन करूँगी। अब मैंने जो है देगची में तेल गरम किया है और मैं तेल में प्याज को गोल्डन करूँगी और जब तक प्याज गोल्डन होगी मैं इसमें शामिल करूँगी सारे साबुत गरम मसाले। और साबुत गरम मसालों को मैं प्याज के साथ में जो है वो फ्राई कर लूँगी क्योंकि साबुत गरम मसालों से तहरी की खुशबू मज़ीद बढ़ जाती है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें और मुझे हरी मिर्चों को और प्याज को साथ में गोल्डन करना है। अब प्याज हो चुकी है जो है लाइटिश गोल्डन, अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद में मैं उसको फ्राई करूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो हमारा पेस्ट है वो खुशबू छोड़ दे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तहरी के लिए बहुत मस्त होता है क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्चें और इसमें जाएगी हल्दी, और हल्दी मैंने आपको बताया था कि थोड़ी ज़्यादा जाती है क्योंकि हल्दी से बनता है कलर। और अब इसमें जाएगा नमक हसबे ज़ायका और सब चीज़ों को डाल के मैं मसालों को तेल के साथ में ही भून लूँगी। और जब मसाले भुन जाएंगे अच्छी तरीके से और तेल छोड़ देंगे तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी दही और टमाटर और फिर हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। अब सारे मसाले तेल के साथ में अच्छी तरीके से भुन गए हैं और अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही क्योंकि दही से बनेगी जो तहरी है उसकी बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी। और दही के फौरन ही बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो है मेरे पास में 2 टमाटर थे, और दही और टमाटर को मैं साथ में कर लूँगी मिक्स। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी के जिसमें जो टमाटर थे वो अच्छी तरीके से गल जाएंगे। और बस हमको पानी डाल के जो है वो 5 मिनट के लिए इसको थोड़ी हाई फ्लेम पे टमाटर को सिर्फ गलाना है और फिर हमारी ग्रेवी हो जाएगी डन। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट गुजर गए हैं और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूंगी मटर, और मटर शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 ग्लास वाटर और मटरों को मैं गलाऊंगी आधे घंटे के लिए ताकि मटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। 1 ग्लास वाटर अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है, अब मैं इसको ढक दूंगी आधे घंटे के लिए। जी फ्रेंड्स, तो अब जो है 30 मिनट्स का टाइम गुजर चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये आलू, और आलू शामिल करने के बाद मैं इसको मज़ीद जो है गलाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब जो है तकरीबन हमें आलू डाले हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं इसमें शामिल करूंगी चावल, और चावलों को मैंने धो के रख लिया है, ये मेरे पास है 1 kg चावल।
और अब चावल डाल के मैं इसे करूँगी मसाले के साथ में मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी हसबे ज़रूरत के, जिसमें हमारे चावल जो हैं वो गल जाएं। और अब मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे हमारी तहरी की फाइनल लुक के साथ। जी फ्रेंड्स, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के दम के बाद में जो चावल थे हमारे वो बिल्कुल हो चुके हैं डन। और आप देख लीजिए कि चावल का दाना जो है वो कितना खिला खिला लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है, और कोई भी चावल का दाना जो है वो बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। आलू वगैरह भी सब गल चुके हैं, तो फिर चलें अब मैं करती हूँ इसको सर्व। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि तहरी की गरम गरम जो लुक है फाइनल, वो कितने मज़े की और कितनी यमी लग रही है। सो फ्रेंड्स, मेरी ये वाली जो तहरी की रेसिपी है, आलू मटर की तहरी की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। तो आप सब लोग जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।